यह है सेलम का बस स्टैंड जो खुदू बस स्टैंड से नाम जाना जाता है। यहाँ यहाँ से आपको हर जगह का बस मिल जाएगा, कहीं भी जाना है बस मिल जाएगा। अभी मैं फिलहाल दूसरी जगह जा रहा हूँ, बहुत बड़ा है यहाँ बस स्टैंड, गाड़ी अपना सब ब्रेक में लगा हुआ है, देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है। और वो साइड भी है और वो साइड भी है, टेंशन की लगा पूरा यहाँ पे भीड़ रहता है। जिस तरह मानो स्टेशन है उस तरफ से यहाँ पे भीड़ रहता है, देख सकते हैं। खाली बस ही मिलेगा, सिर्फ आपको बस बस स्टैंड पे बस ही मिलेगा, थोड़ी दूसरा कुछ मिलेगा, हर टाइप का बस मिलेगा यहाँ, हर टाइप। यहाँ का जो बस भाड़ा है ना बहुत कम है, बहुत कम, उनका कोई गिनती नहीं है। यहाँ से तक मैं 30 किलोमीटर जाऊँगा तो मुझको 5 या 10 रुपये भाड़ा लगेगा। यही बिहार में अगर जो हम 30 से 40 किलोमीटर जाएंगे तो 70 से 80 रुपये भाड़ा लगेगा। और यहाँ पर पूरा हाईवे है, बिंदास जाइए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का तो बात ही अलग है, यहाँ का बात अलग है, बस का भाड़ा बहुत कम है। बस निकल गया यहाँ से, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मैं पूरा हाईवे का वीडियो दिखाऊंगा, पूरा यहाँ पर मतलब हाईवे से हाईवे जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ हाईवे, उधर नारियल का पेड़ है, सिर्फ नारियल का, यहाँ पर नारियल का खेती होता है, तो हाईवे ही हाईवे। यहाँ तो मैं हाईवे के नीचे जा रहा हूँ, हाईवे पर मैं भी चढ़ूँगा, तो कितना कितना पुल है, ओनली हाईवे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईवे बना हुआ, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं हाईवे, इधर भी हाईवे। ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर हाईवे और मकान इतना सुंदर रहता है ना कि मत पूछो। यहाँ पर कुछ का तारीफ किया जाना चाहिए, लेकिन हाईवे और मकान का तारीफ आप हमेशा कीजिएगा। क्या ऐसा मकान यहाँ बनाता है उसका पूरा पैसा नहीं बनता, ऐसा कोई गिनती ना। उसी नारियल का पेड़ लगा हुआ है, चॉकलेट खा रहे हैं इसलिए आवाज ऐसा नहीं है। ये जो पार्क है रात को इतना सुंदर दिखता है ना, खाना मुश्किल, रात को देख के आप हिल जाइएगा, इतना एकदम चमचम करता है। अभी तो जी नहीं तो इतना पता नहीं चल रहा है, पूरा आसमान तो देखने में चक चक लगता है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर आने में नहीं, चढ़ रहे हैं हाईवे पर, देख सकते हैं हाईवे पर चढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल है सिल्वा हॉस्पिटल, वो जो पहाड़ दिख रहा हूँ वहीं जाएंगे काम करने में। इधर नीचे से रेल का ट्रेन पटरी भी गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर शायद से होल्ट है, नहीं होल्ट में उतरने के लिए बनाया है।